कहते हैं कि एक इंसान को उसकी बातचीत, चाल चलन, रहन सहन आदि से पहचाना जा सकता है आसानी से, लेकिन कई बार हम अपनी आसपास की घटनाओं से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपना विपरीत रूप दिखाने लगते हैं। और कई बार लोग इसी रूप को असली रूप समझ बैठते हैं और ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। हमारा आज का एपिसोड भी ऐसे ही इंसान और उसकी पहचान की उधेड़ बुन पर आधारित है। वो दो औरतें कौन थी और उनका कत्ल किसने किया था, और वो औरत जो पुलिस स्टेशन में इनके लिए कंप्लेंट लिखवाने आई थी, उसका इनसे क्या वास्ता था, और क्या ये दो औरतें गलत पहचान का शिकार हुई थी, ये जानने के लिए हमें उनके अतीत में झांकना होगा। माँ जी, वाह दीदी, आप बहुत सुंदर दिख रही हो। सच्ची बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? किसी की नजर ना लगे तुम्हें। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, सोच रहे अगले महीने इस घर से विदा होकर चली जाऊंगी। फिर हमें भी नहीं पता हम आपके और मेघा के बिना कैसे रह पाएंगे। क्या रो रहे हो? हमें तो इस दिन का इंतजार था कि आपके सारे कपड़े हमारे हो जाएंगे। देखो माँ, हमारे कपड़े इतनी बड़ी बड़ी हो गई हूँ, ऐसे कौन फोटो लेता है, हम कितने बेकार दिखेंगे। इसी का तो मजा है दीदी। ये देखो माँ। प्रीति तुम तो, ओहो चीजू का फोन, अब हम उन्हें बता देंगे कि आप हमें परेशान करिए। दे दो उसे। हेलो, अरे हेलो जीजू, हेलो मैं माँ आते हैं। हेलो, देखो ना माँ, क्या कर रही हो मेघा? वो भी तो परेशान करती है ना। चली जाएगी तो रोगी उसके बिना, समझी? हाँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? सुधा आंटी के घर पढ़ने। कहीं नहीं जाना है तुमको, चुपचाप बैठ कर पढ़ो यहीं। हम जा रहे हैं। मेघा मैं, अरे एक फोटो भेजो ना। अरे तुम्हें देखने का मन कर रहा है मेरा। ठीक है भेज दी। बताओ कैसी लग रही हूँ? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, मिलके बताऊंगा। अरे अभी भेजिए ना, बताओ ना प्लीज। अरे बोला ना मिलके बताऊंगा। संदीप घर पे बहुत सारे काम बाकी है, शॉपिंग बाकी है, पार्लर की बुकिंग बाकी है। मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। तुम कुछ भी बहाना बना के आ जाओ ना। ठीक है पर आज नहीं, कल। ठीक है। वाह भैया ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। भैया हमको भी साथ ले चलिएगा ना। हाँ हाँ चलना चलना, जरूर चलना। अरे मेघा बेटिया बहुत अच्छे समय पर आई हो, तुमको पता है दंगल के आयोजन में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं हम। ये तो बहुत खुशी की बात है अंकल, मुबारक हो। अरे आ गई तुम, हम तो सोच ही रहे थे, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, अभी तक आई नहीं। आ जा बैठ। घर से आलू की सब्जी, कोई दूसरी सब्जी बनानी नहीं आती है क्या? हमको कोई शौक नहीं आलू की सब्जी बनाने की। हाँ घर में कोई सब्जी है नहीं और पैसा भी नहीं है हमारे पास। तुम्हें जितने मर्जी पैसे दे लो लेकिन यही रोना रहता कि पैसा है नहीं। अच्छा कितने पैसे देते हैं आप? 10,000। पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी इसी पैसे में से निकालते हैं हम। हाँ तो हमारे पास नहीं है पैसे, सुन लिया? ये कहिए कि हमारे लिए नहीं है, वो नोएडा में जो रख रखी है ना सुमन, उसके लिए तो खूब पैसा है आपके पास। तमीज से बात करो, उससे हम शादी किए हैं, बीवी है हमारी। एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी नाजायज होती है। इतने तो पढ़े लिखे हैं आप, आज सिर्फ माँ को यहाँ पे मारने और उन्हें जलील करने के लिए आते हैं क्या? एक तो आपको बाबा कहते हो ना, शर्म आती मुझे। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। बहुत जुबान चल रही है तेरी, तू भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है क्या? अरे हमें कोई शौक नहीं है आने का, अपनी माँ से बोल के तलाक के कागजों पर दस्तखत करते चले जाएंगे यहाँ से। अपने जीते जी हम तलाक नहीं देंगे, सुन लीजिए आप, आपको जो करना है कर लीजिए। तू आप बेटी एक जैसे हो गए। क्या है? तमीज से बात करो मुझसे। कुसुम नहीं हूँ मैं, याद है ना तुमने मुझसे वादा किया है कि इस बार तलाक लेके ही घर लौटोगे। अमीर चाओ
मेघा चलो खाना तैयार है। मेघा ने खाना खा लिया और वैसे भी जो खाना तुम उसे देती हो वो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हैं? क्या बोली तुम? हाँ? अब तुम हमको सिखाओगी कि बच्चा कैसे पाला जाता है? हाँ? अरे तुम्हें तो यहाँ तक भी नहीं पता कि बढ़ती बच्चे को कैसे पालना चाहिए, कैसा खाना खिलाना चाहिए। कितनी दुबली हो गई हमारी बेटी। हमारी बेटी क्या होता है? आराम से। मेघा हमारी बेटी है और हमारी ही रहेगी। और हाँ, अपनी हैसियत के हिसाब से इसकी परवरिश जैसी भी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखा है हमने प्रीति को, इसलिए कह रहे हैं मेघा को हमें गोद लेने दो। तुम उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हो, 15 साल से हम तुमको बोल रहे हैं। दोबारा इस घर में कदम रखा ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, समझी? बताते तुमको। मैं हर हाल में मेघा चाहिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा दाव लगाएंगे कि मेघा हमारी ही होगी। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं निखरती जा रही हो तुम। अच्छा, अरे झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। सच में? हाँ। माने दिए। पता है संदीप, हमारी माँ ने ना बहुत स्ट्रगल किया। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जिंदगी की वो हर खुशी दूँ जो वो डिजर्व करती है। और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तलाक पेपर पे साइन कर दो, इसी में सबकी भलाई है। तलाक? हाँ, हम तो तुमसे तलाक के लिए भी नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारी शादी तो पहले से ही नाजायज है। असम, चुप रहिए आप। ठीक है, सीधे सीधे बात करते हैं, कितने पैसे लोगी साइन करने के? मैडम ये फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है। एक बार कान खोलकर सुन लो, अपने जीते जी हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो। ये क्या कर रही हो तुम? ये लो, एक बात और, अब तुम देख लो कि तुमको पूरी जिंदगी इनके साथ ऐसे ही रहना है। चल उठ। चेक करो जिंदा है क्या? सर हाँ शर्मा बोलो। क्या महेश के घर पे 2 लाशें मिली हैं? क्या? फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, कार्रवाई शुरू करो, मैं पहुंचता हूँ। जी सर, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। काली मिर्च के अंडे का ये मतलब थोड़ा ही ऐसा होगा कि सारी की सारी काली मिर्च एक बार में झोंक दी जाए। अरे भाई, मिर्च सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि आदमी जो है 2 से 3 दर्जन अंडे एक बार में दबा के खाए और नहीं तकलीफ भी ना हो, समझे? जी भैया। अरे बंद कीजिए प्लीज। क्या हो गया सर जी? आपके पड़ोसी महेश प्रजापति, उनके घर में 2 औरतों की लाश मिली। क्या? मेघा, सर इस तरफ। सर जब हम आया तो दरवाजा ऑलरेडी खुला था, फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं। पड़ोसी ने बताया कि यहाँ अक्सर लोग दिन में दरवाजा खुला रखते हैं। व्हाट इज? सर यहाँ सर महेश प्रजापति, इनकी बीवी कुसुम प्रजापति, वो बड़ी बेटी प्रीति प्रजापति। पर सर ये उनके पड़ोसी हैं, इनके घर पे म्यूजिक काफी लाउड बज रहा था इसलिए शायद किसी ने कुछ सुना नहीं। सर पूरे घर में या किचन में स्ट्रगल के निशान नहीं है। अगर घर में चोरी नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि कातिल इन्हें सिर्फ मारने के मकसद से आया था, मतलब कातिल कोई जान पहचान वाला ही था। अगर वो अजनबी होता तो यहाँ मेन डोर पर हमला करता, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कातिल दरवाजा खुला देख के पहले ही दबे पांव अंदर छुपकर बैठ गया हो और मौका देखकर किचन में हमला किया हो। खैर, घर में और कौन कौन है? सब सिर्फ महेश और उसकी छोटी बेटी मेघा बचे। महेश को बुलाओ। सर संग्राम में सुधा की कुसुम से बहस हुई थी अभी कुछ दिन पहले,
और कहाँ चाहिए तुमको, बोलो कहाँ चाहिए? पैसा 5 लाख रुपए के साथ 1 बीघा जमीन भी ले लो, लेकिन लेको मेघा को हमें दे दो। अरे अब बहुत ज्यादा पैसा है ना तुम्हारे पास, तो उसी पैसे से अपना इलाज करा लो ताकि माँ बन सको, और अगर उसके बाद भी नहीं बन पा रही हो ना तो उन्हीं पैसे से अपने दिमाग का इलाज करा लो। का कहा तुमने, शर्म नहीं आई? बेटा तुम्हें किसी पे शक है, कौन तुम्हारी मम्मी और बहन को मार सकता है? नहीं पता सर। अच्छा तुम कब से इनके घर पर थी? सुबह से। वो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, और मेघा को हम अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए वो हमारे साथ हमारे घर पर ही थी। आज आप दोनों ने आसपास कुछ ऐसा अनयूजुअल देखा या सुना, जरा याद करके बताइएगा, क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। नहीं सर। और आप भी घर पर ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। आपके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले तो आए थे हम सर। सुमिता मेघा को लेके जाओ। चलो बेटा। तो मेघा को लेकर आप दोनों की कुसुम से लड़ाई हुई थी? नहीं सर, वो पड़ोसियों में थोड़ी बहुत नोक झोंक। सर कुसुम अब नहीं रही, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। और वैसे भी इस घर की हालत देख रहे हैं, मेघा की परवरिश तक ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेघा को हम गोद लेना चाहते थे, उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, इसमें गलत क्या है? और रही बात लड़ाई की, लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि हमने उसे मारा है, यही सच है। ये आपके ऊपर है, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं तो शक करना तो आप लोगों की आदत है। सर ये सुबह कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है क्या? हाँ कई लोगों की होती है फितरत इस टाइप की। लेकिन सर ऐसे सर इन्होंने सुमन की अगर किसी को आते हुए देखा था। किसको आते देखा? सर महेश के भाई सुरेश को देखा था मैंने उसके घर पे जाते हुए। और वो वापस कब गया? सर पता नहीं, मैंने दोपहर में दुकान बंद की, फिर वो कब निकला मुझे पता नहीं। वो रहता कहाँ? ये पास वाले मोहल्ले में। क्या खून हो गया? क्यों तो गया था ना सुबह कुसुम के घर, तुझे नहीं पता? हाँ हम गए थे वहाँ, लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया है। जब हम वहाँ से निकले थे तो बोलो बिल्कुल ठीक थे, एकदम सही सलामत। क्या तुम फिर से उससे मिलने गए थे? तुमने कसम खाई थी ना कि तुम उस कुसुम से मिलने नहीं जाओगे? कुछ पूछ रही हूँ मैं। मतलब इस आदमी का चक्कर उस कुसुम के साथ चल रहा है। अरे हमने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। ओ हमारे पति से ना दूर रहना, वरना हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि इस चेहरे के पीछे ना एक गंदी औरत है। हमने तो उस कुसुम को उसके बच्चों के सामने जलील किया था। अरे इनका तो अपनी बीवी से मन भर गया है ना, तभी तो गए थे बेशर्मों की तरह उस कुसुम के पास। ये क्या हुआ है उंगली में? नहीं कुछ नहीं सर। दिखाओ दिखाओ, ये चोट कैसे लगी? कांच लग गया था सर। कांच की चूड़ी है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही। जरा से थाने लेके चलो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। वो तो थाने चल के पता चलेगा क्या किया है। बोल। बताते सर। सर हम मानते हैं, हम भाभी से मिलने उनके घर पे गए थे दोपहर को। देखो भाभी कुछ गलत नहीं है इसमें। नहीं अब हम ये पाप नहीं करेंगे। ठीक है फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, हमें भैया को सब बताना पड़ेगा। तुमको जो करना है करो, क्योंकि गलती तो हमसे हुई है, पर अब तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो हमसे। आप जाइए यहाँ से, इसके पहले चाची मेरी माँ को कुछ उल्टा सीधा बोले। बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओगे। यही सच है सर, हम जो कुछ भी जानते थे आपको बता चुके, हमें जाने दीजिए सर। लेकिन ये अधूरा सच है, जब तक ये पूरा सच नहीं उगलता खातिरदारी करते रहो। सर सर ऐसा मत कीजिए सर। सर सर इस केस में बहुत उलझन है, देखा जाए तो कुसुम की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा महेश को था। ये भी हो सकता है कि सुरेश ने अपने और कुसुम के रिश्ते के बारे में महेश को बताया हो, महेश को गुस्सा आया, उसने कुसुम को मार दिया, और जब वो कुसुम को मार रहा था प्रीति ने देख लिया, तो इसलिए उसे प्रीति को भी मारना पड़ा।
सर वैसे मोटिव संग्राम और सुधा के पास भी है, क्योंकि कुसुम और प्रीति के मौत के बाद महेश खुशी खुशी मेघा को इन दोनों को गोद दे देता ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। हो सकता है, लेकिन ये सुरेश अपनी भाभी कुसुम को संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और मर्डर वाले दिन वो उसके घर भी गया था। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि वो कातिल हो सकता है। सर और एक शख्स है जो माँ और बेटे को मार सकता है, सुमन, क्योंकि उसने इन दोनों को धमकी दी थी। लेकिन कोई खुद मर्डर करके खुद कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगा? कंफ्यूज करने के लिए सर। जब कुसुम ने सुमन को 10 तारीख को घर से बाहर निकाला था तो 10 तारीख को ना आके 11 तारीख को कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगी? ये महेश है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। यस, शी हैज ए पॉइंट। शर्मा, इस महेश और सुमन की CDR निकालो और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी देने के लिए बोलो। जी सर। और महेश के वकील को तुम फॉलोअप कर रही थी ना, क्या हुआ उसका? सर उसके ऑफिस में मैसेज भिजवाए हैं। और वो संग्राम, उसका वो चमचा सुगा, बुलाओ सर। जी सर। तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत क्या थी? हम तो रास्ता निकाल ही गए थे ना। तुम तो चुप ही करो, तुम इस लायक होते ना तो मुझे बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं होती। पर क्या फर्क पड़ता है इन बातों का, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। हाँ तो सुग्गा। जी साहब। अपने मालिक संग्राम के साथ सुना है बहुत उड़ रहा है तू? नहीं साहब। देख, सच बोलेगा तो बचा रहेगा, अगर झूठ बोला पर घट देंगे तेरे। ठीक है साहब। तो ये बता, एक कुसुम और प्रीति के मर्डर में संग्राम सिंह का कितना हाथ है? साहब हमें नहीं पता साहब, लेकिन संग्राम दादा किसी का मर्डर नहीं कर सकते साहब। और सुधा? साहब वो जुबान की तेज़ हैं लेकिन वो भी किसी को नहीं मार सकती साहब। वो तो हम पता लगा ही लेंगे किसने मारा है, लेकिन मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच नहीं सकता। सर कुसुम और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों को दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच मारा गया है। लोहे की किसी नुकीली चीज से वार किया गया। प्रीति को 5 बार तो कुसुम को 6 बार स्टैप किया गया है। और रेप? सर रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मतलब कातिल सिर्फ और सिर्फ मारने के मकसद से आया था और जिस तरह से मारा गया काफी गुस्से में था। लेकिन वो किसे मारने आया था, कुसुम को या प्रीति को? मर्डर वेपन कौन सा है? सर CD और लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से और एडवोकेट शुक्ला ने कंफर्म किया कि महेश उनसे मिलने 3 से 4 बजे के बीच गया था। सुमन और महेश के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसमें महेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में बिहार के 2 हिस्ट्री शीटर के नंबर मिले हैं, एक है भूलू और दूसरा है साजिद। ये भोलू और साजिद दोनों की फोन लोकेशन निकालो, देखो कहाँ है ये, और सुमन को अरेस्ट करो। तुम्हारे CDR और भोलू और साजिद के फोन लोकेशन से पता चला है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी सेम डे यहाँ मेरठ में ही थे। देखिए मैं आपको सब सच सच बताती हूँ सर, मैं महेश की लीगल वाइफ बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने भोलू और साजिद को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया था। देखिए मुझे लगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैं पकड़ी गई तो पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रहना पड़ेगा और मैं महेश से तो कभी मिल ही नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं केस कर उस पर प्रेशर बनाती हूँ। मैं आपके पास पुलिस कंप्लेंट भी लिखाने आई थी और इसके बावजूद भी अगर वो कुसुम को तलाक नहीं देता तो मैं केस वापस लेने के नाम पर नोएडा वाला घर अपने नाम करा लेती। देखिए इतना तो मेरा हक बनता है ना सर। तुम्हारा पुलिस में कंप्लेंट करना और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर का यहाँ मेरठ में मौजूद होना, टाइमिंग इतनी अच्छी है ना कि तुम्हारी बातों पर यकीन करने का दिल ही नहीं कर रहा है। जब तक सच्चाई पता नहीं लग जाती आप कस्टडी में रहेंगे। सर मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोली हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। थोड़ा सा खा ले कुछ। छोटी माँ अब सब खत्म हो गया। बेटा ऐसा नहीं बोलते, हम है ना, हम है तुम्हारे साथ, हमारे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। शर्मा ये भोलू और साजिद का क्या हुआ? सर खुद जा रही है।
पर मुझे एक बात खटक रही है, ये सुमन के पास कुसुम को मारने का मोटिव था और उसने उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी भी दी थी, लेकिन ये प्रीति का क्या, उसे क्यों मारा गया? उसकी शादी होने वाली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके किसी पुराने आशिक ने या फिर एक तरफा प्यार करने वाले ने कांड किया हो? मुमकिन है सर। प्रीति की CDR और उसकी फ़ोन लोकेशंस निकालो, और हाँ उसके मंगेतर से भी बात करो सर। तब तक हम महेश और मेघा से बात करके आते, चलो। जी सर। प्रीति और उसकी माँ को कौन मार सकता है, तुम्हें किसी पे कोई शक है? कोई पुराना आशिक या कोई वन साइडेड अफेयर? सर प्रीति का मुझसे पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और सर जहाँ तक उसकी फैमिली को जानता हूँ मैं, उनका भी कोई दुश्मन नहीं था सर। 11 तारीख को तुम कहा थे, जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आए थे तुम हमें मिले नहीं। सर मुझे ना देर शाम को पता चला, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। हम मौका है वारदात से गए थे, शहर छोड़ के नहीं। तुम चाहते तो हमें पुलिस स्टेशन आके मिल सकते थे, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा सर, मैं तो खुद टूट चुका हूँ सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के मत जाना। सर हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम ज़्यादातर समय नोएडा में ही रहते हैं। और आपको कुछ पता है बेटा? नहीं सर, हमें भी नहीं पता। प्रीति दीदी माँ से ही अपनी बातें शेयर करती थी, और हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई और ऐसा हो जो मेघा? मेघा चल, तेरे लिए हलवा बनाया है। माफ़ कीजिएगा सर, इसके एग्जाम से उसे पढ़ना भी, चल चल चल। ठंडा हो जाएगा तो तुझे बिल्कुल पसंद। जी ये सुधा जी है, हमारी पड़ोसी मेघा का बेटी की तरह ख्याल रखती है। सर मुझे लगता है सुधा के हाथों ही मर्डर हुए होंगे। देखा ना आपने, जैसे ही हम पहुंचे वो भी आ गए। उस दिन भी उसने जानबूझकर मेघा को अपने घर पे रखा ताकि वो प्रीति और कुसुम को मार सके। पूजा एक काम करो, अपने कांस्टेबल को सिविल यूनिफॉर्म में इस मोहल्ले पे निगरानी पे लगा दो, जैसे ही कुछ अनयूजुअल दिखा उठाएंगे इनको। सर प्रीति की CDR और लोकेशन रिकॉर्ड्स से इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। ज़्यादातर कॉल सिर्फ एक नंबर पे हुए हैं, उसके बॉयफ्रेंड संदीप के नंबर पे। और जैसे संदीप ने बताया था, उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। इस भोलू और साजिद को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आपको जान से मारने की क्या जरूरत थी? अंबिका तो फिर भी समझ में आता है, बेचारी प्रीति ने क्या बिगाड़ा था आपका? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उन्हें क्यों मारूंगा भला? तू तो बहुत शरीफ है ना, जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ाता था, और जब दिल भर गया तो उसका खून कर दिया। लेकिन मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तेरा, उसे क्यों मारा तूने? मैंने किसी को नहीं मारा है। पुलिस के पास संदिग्धों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। महेश कुसुम से हर हाल में पीछा छुड़ाना चाहता था, और वहीं सुरेश, उसका कुसुम से नाजायज रिश्ता चल रहा था और वो मौका वारदात पर गया भी था। संग्राम सुधा मेघा को 15 सालों से हासिल करना चाहते थे, लेकिन कुसुम उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। वहीं सुमन, उसने बिहार से 2 हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया था इस हत्या को अंजाम देने के लिए, और मेरठ में वो हत्या के दिन मौजूद भी थे। इतने सारे लोगों के पास हत्या करने की वजह तो थी, लेकिन पुलिस को सुमन के अलावा किसी के भी खिलाफ सबूत नहीं मिला। सुमन ने ये तो माना कि उसने भोलू और साजिद को हत्या करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसका ये भी कहना था कि एंड मोमेंट पे उसने हत्या करने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो भोलू और साजिद को ढूंढने में लग गए। लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। सर देखिए क्या मिला। ये तो प्रीति है। जी सर, लड़कों के चेहरे क्लियर नहीं है, मतलब प्रीति का चेहरा क्लियर है, पर उसे देख के लगता नहीं है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा है। पर सर ये देखिए, एंगेजमेंट रिंग, मतलब ये वीडियो हाल फिलहाल में बनाया गया है। राइट, वीडियो की वॉइस बहुत डिस्टर्बिंग है, इसे एनहेंस कराओ, और तुम जरा पता करो कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है, IP एड्रेस निकालो। जी सर। जी बोलिए। पंकज यहीं रहता है? हाँ, मैं पंकज की मम्मी हूँ। जरा बुलाइए उसे। वो तो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया हुआ है। कब गया? ये कुछ 11 अक्टूबर को। आपके बेटे ने एक लड़की का अश्लील वीडियो अपलोड किया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर जब्त कर लो, और जिन दोस्तों के साथ वो दिल्ली गया उनकी डिटेल्स दीजिए मुझे। सर पंकज के कंप्यूटर में कोई और अश्लील वीडियो नहीं मिला, और उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है।
यानी कि उसे पता था कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए सब कुछ डिलीट किया और गायब हो गया। तोड़ो उसे। सर, हमने उस अश्लील क्लिप के ऑडियो को एनहांस किया, ये सुनिए। यार ये संदीप बार बार कॉल क्यों कर रहा है? संदीप सर, मेरी, 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 मेरी बात तो सुन लीजिए सर एक बार प्लीज। अरे मैंने नहीं मारा सर उसे, सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा सर, वो सुभाष ने मारा होगा सर। कौन सुभाष? सुभाष पांडे सर, सुभाष पांडे दोस्त है सर मेरा। अभी कुछ दिन पहले सर 1,00,000 रुपये उधार लिए थे उससे और टाइम पे वापस नहीं दे पाया सर मैं, तो फिर सर वो सुभाष ने ना एक प्लान बनाया सर, और जब मैं प्रीति के साथ सर पार्क में बैठा था ना सर, तो वो वहाँ आया सर। फिर आज फिल्म देखने चलो। चलते हैं ना, काफी दिन हो गए। आज लीला करने के लिए यहाँ तेरे पास पैसे, और हमारा पैसा चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं। भाई हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बता रहे हैं हम, कुछ दिन का मोहलत दे दो। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, भाई मेरी बात सुन, छोड़ दो भाई, मेरी बात सुन, भाई प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। संदीप, संदीप सुनिए सुनिए, आप ही हमारे चुपके रख लीजिए, ये बाकी के जो भी पैसे हम बांधने दे देंगे हम आपके, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। संदीप, संदीप तुझसे तो मुझे कुछ और ही चाहिए। सर मुझे लगा इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, पर ये सुभाष का एक दिन वापस से फोन आया मेरे पास। उसने मुझे बताया कि सर सुभाष का और प्रीति का इसके किसी दोस्त पंकज ने एक वीडियो बना लिया है, और अब ये पंकज प्रीति का फायदा उठाना चाहता है, नहीं तो वो वीडियो वायरल कर देगा वो। सर मैंने उसे मना किया कि भाई मत करिए सर, लेकिन उसने उसके बाद सर फिर मुझे पैसों का लालच दिया सर, तो फिर मैंने प्रीति से बात की सर। अरे हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जान दे दें। हम समझते हैं तुम्हारी हालत, पर तुम सोचो ना, अगर वीडियो रिलीज हो गया तो अपनी माँ और बहन के बारे में सोचा तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। प्रीति देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही मंगेतर के साथ इतना घिनौना काम करते हुए? सच तो यह है तू उससे शादी ही नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे मार दिया। प्रीति को मारते हुए तुझे उसकी माँ कुसुम ने देख लिया तो तूने उसे भी मार दिया। सर मैंने नहीं मारा सर किसी को, मैं कितनी बार बताऊं सर, जो सस्ता बोल दिया आपको सर। हमने कुछ नहीं किया सर, 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 संदीप मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था तो हमने संदीप से पैसे के बदले प्रीति के साथ एंजॉय करने की बात कही और वो मान भी गया, लेकिन तभी पंकज ने वीडियो बना लिया और उसके बाद तो तूने उसे इसलिए मार दिया कि अब वो तेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर इसलिए कि वो हमारे पास आने का सोच रही थी? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए हमने किसी को नहीं मारा, जरूर पंकज ने मारा होगा, वो बहुत सनकी आदमी है सर। तोड़ते रहो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर, सर हमें ये संदीप और सुभाष दोनों को कस्टडी में रखो और दोनों की कॉल लोकेशंस और फोन लोकेशंस निकालो। कुसुम के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो इन दोनों के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। और ये पंकज, उसका कुछ पता चला? सर उसका लोकेशन ट्रेस हो गया, उसने कल अपना फ़ोन ऑन किया था, वो दिल्ली में नहीं मुंबई में, लोकल पुलिस को कॉन्टैक्ट किया है, होपफुली जल्दी पकड़ लेंगे। वेरी गुड शर्मा, एक बार ये पंकज हाथ में आ गया ना तो सच्चाई तक पहुँच सकते हैं। भरोसा और समर्पण किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। प्रीति संदीप के लिए समर्पित थी, लेकिन संदीप ने प्रीति के भरोसे का फायदा उठाया और उसे घिनौने दलदल में धकेल दिया। सो पुलिस की फहरिस्त में प्रीति का मंगेतर संदीप, उसका दोस्त सुभाष और पंकज का नाम जुड़ चुका था। संदीप और सुभाष तो गिरफ्तार हो चुके थे, पुलिस उनसे सच उगलवाने में लगी थी, लेकिन पंकज अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी, उनके हाथ भोलू और साजिद लग गए। सुमन ने कबूल किया है कि उसने तुम दोनों को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी और तुम दोनों ने कुसुम और प्रीति दोनों को मार दिया। नहीं 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 साहब, हमने मारा नहीं साहब, औरत झूठ बोल रही है साहब। फिलहाल तो हमें कुसुम को मारने की सुपारी मिली थी साहब, फिर मैडम ने यह भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, लेकिन हमने पहले ही बताया था हमारे धंधे में पैसे वापस नहीं होते, तो उन्होंने हमें पैसे दे दिए साहब। कहानी अच्छी है तुम्हारी, चलो देखते हैं कि थोड़ी और मार खाने के बाद तुम्हारी सच्चाई बदलती है वही रहती है। थोड़ा जरा साहब, नहीं साहब, साहब सुनो साहब, साहब नहीं साहब।
अरे हमने किसी को नहीं मारा सर, अरे हम सच कह रहे सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों? क्योंकि हम डर गए थे सर। हमें लगा था कि मेघा ने हमारा नाम ले लिया तो हम फंस जाएंगे सर। मेघा, मेघा तेरा नाम क्यों लगी? क्योंकि हमने उसके साथ बदतमीजी की थी। कब? सर 11 अक्टूबर को। देखो, इस जंजाल से निकलने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम्हारी छोटी बहन मेघा, उससे हमें एक बार मिलवा दो। हमारी बहन के नजदीक भी मत जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो इस बार हम पक्का पुलिस के पास चले जाएंगे, समझे तुम? इसलिए गुस्से में आके हमने प्रीति का MMS अपलोड कर दिया सर। अब फिर हाथ मत लगाओ, अगली बार परेशान करने की कोशिश की ना तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। हमें लगा मेघा ने अगर घर वालों को या आपको हमारे बारे में बता दिया तो, इसलिए हम घर छोड़ के भाग गए थे सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। सर, सर पूरा सच उगलवाओ। सर हमने किसी को नहीं मारा सर। सर बेटा, तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी? देखो बेटा, झूठ मत बोलना, क्योंकि जिसने बदतमीजी की थी उसने खुद हमारे सामने को बोला है। हाँ। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? डर गई होगी, समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भूल गई। आप समझदार हैं ना, तो फिर हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं आप? हमने उससे पूछा है ना, आपको जवाब देने की क्या जरूरत है? अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया, आपको अरेस्ट करके थाने लेके जाऊंगा, वहीं पूछताछ करूंगा मैं। शांत बैठिए आप, बोलो बेटा। हम डर गए थे, समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाते, हम भूल गए। सर, मुझे लगता है कि मेघा बहुत कुछ जानती है, सुधा के डर से हमें बताने लगी। सर, इसके पहले भी हम मेघा से बात करने गए थे, लेकिन सुधा ने पढ़ाई का बहाना बना के मेघा को अंदर लेके गई थी। हेलो, ठीक है सर। सुभाष, संदीप, पंकज, भोलू, साजिद, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो। अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा तो फिर और कौन हो सकता है? राम राम संग्राम। अरे राम राम चाचा जी, राम 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 राम। भाई क्या बात है, आजकल अखाड़े नहीं जा रहे हो? चाचा जी क्या बताएं, ससुरा घुटने में थोड़ी चोट लगी हुई है, इसलिए 10-12 दिनों से अखाड़े जा नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी जाना शुरू करेंगे अखाड़े। इन सब के पास कुसुम और प्रीति को मारने का मोटिव तो था, लेकिन हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमें तो ये तक नहीं पता कि मर्डर वेपन क्या है और वो कहाँ है। डेड एंड पे खड़े हैं हम। हेलो, ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल यादव का कॉल था, वो कह रहा है कि संग्राम की घुटने पे चोट लगी हुई है, इसलिए पिछले 10-12 दिनों से वो अखाड़ा नहीं गया। इसका मतलब है वो हमसे झूठ कह रहा था कि 11 अक्टूबर को वो अखाड़ा गया था। और आप भी घर पे ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। मतलब ये फैमिली कुछ छुपा रही है, याद है ना जब इस फैमिली से हमने पूछा था वो मेघा के खरीदने वाली बात, तो ये सुधा तो कॉन्फिडेंट थी लेकिन ये संग्राम नहीं। लेकिन सिर्फ शक के बिना पर, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, पूछताछ करने के लिए हमें इसे अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर किस बिना पर? फेक चार्जेस लगाते हैं, लेकिन हम उसे 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। शर्मा, आज फ्राइडे है ना? जी सर। आज इसे अरेस्ट करो, कल सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, मंडे से पहले जमानत नहीं मिलेगी। समझ गया। संग्राम जी, सुना है आप नशा करते हैं, घर में नशे का सामान भी रखते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। बड़े अंडे खाए जा रहे हैं, सुना है नशा करने वालों को भूख बहुत लगती है। एक खुराक है हमारी सर। भाई की तलाशी लो। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं घर का कोना कोना चेक करिए जल्दी। संग्राम जी ये क्या है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पता है आप बेकसूर है, हम वकील से बात कर लेंगे। अरे सर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कभी भी अपने घर पे गाजर लेके नहीं गया। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू 11 अक्टूबर को अखाड़े में गया था? तेरे घुटने में दर्द था ना, घर पे ही था ना तू? अरे सर मैं गया था उस दिन अखाड़े में, हाँ पर मैंने वहां कोई काम वाम नहीं किया था। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तुम्हें सिर्फ इतना बता कि कुसुम और प्रीति का खून किसने किया?
तेरे जो गांजे वाले चार्ज है ना, ये हटा देंगे। ओ, 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 ओ। तो इसलिए लाया आप लोग हमें यहाँ। तो ऐसा है सर जी, हम नहीं जानते किसने मारा हम दोनों को। तो ठीक है फिर, हो जा सजा के लिए तैयार। आप जानते नहीं सुधा को, हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकाल देगी, देखते रहिएगा आप। ऐसा है पहलवान, देख आज है शुक्रवार और शनिवार और इतवार रहती है कोर्ट बंद, सोमवार से पहले तेरी जमानत नहीं होने वाली। अब 3 दिन तू यहीं रहेगा, अब सोच ले अपनी हड्डियां तुड़वाएगा या सच बताएगा। सर लगता नहीं कि ये संग्राम इतनी आसानी से टूटे, पर इसे तोड़ने का कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जब जब हम संग्राम से मिलने जाते हैं या तो वो खाता होता है या उसके पास खाने का बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो पहलवान लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाँ लेकिन शर्मा इसका मतलब ये भी है कि उसे दिन में कई बार खाने की आदत है, और आदमी की आदत ही उसकी कमजोरी होती है, और हमें उसकी इस कमजोरी का ही फायदा उठाना है, उसे हथियार बनाना है। इस संग्राम का खाना बंद कर दो, भूखा रहेगा अपने आप टूटेगा और सारी सच्चाई उगलेगा। सर 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 अब तक मुंह नहीं खोल रहा, तो क्या करें, कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इसका, अदरवाइज। संग्राम जी के लिए खाना लाए, क्या हम अपने पति से मिल सकते हैं? जी नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते, टिफिन यहीं छोड़ दीजिए, हम दे देंगे। सर आपके हाथ में तो अधिकार है उन्हें बेल पे छोड़ने के लिए, तो फिर किस लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं? हम परेशान नहीं कर रहे हैं, और ना ही बेल पे छोड़ने का अधिकार हमारे पास है, वो कोर्ट के पास है, उन्हें बेल वहीं से मिलेगी। लेकिन सर मंडे तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। आप जाइए टिफिन दे देंगे। हाँ पूजा जरा सी डी आर की फाइल लेकर आ जाओ। भाई शर्मा, पूजा आज खाना यहीं खाते हैं, यहीं मंगा ले। जी सर। गुप्ता खाना यहीं लेके आओ सर, बहुत दिनों बाद घर का खाना। वाह स्मिता जी प्लेट्स। हाँ ये भी क्या है। ए, 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 एक मिनट, ये तो हमारे घर का टिफिन है ना, चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह अंडे, वाह पुलाव तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खुशबू देखिए। अरे खाना हमारे घर से आया है हमारे लिए, लेकिन खा तो हम रहे हैं। हाँ तुम भी खा सकते हो, सिर्फ ये बता दो कौन किसने किए। पुलाव ला पुलाव। वाह उसमें भरपूर प्रोटीन। मैडम सुधा जी आप टिफिन लेके आ गई। जी सर। अच्छा हुआ कल का खाना बहुत अच्छा था, ऐसे संग्राम जी ने कहा। सर वो उनसे एक बार मिल पाते थे। नहीं नहीं हम टिफिन दे देंगे, आ जाइए आप नहीं मिल सकते। चलो वाह 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 आज फिर चिकन। बाबा वैसे संग्राम जी आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाई जल्दी क्या है आज। सर चिकन बिरयानी, चिकन करी और ये दाल मखनी। एक काम करो शर्मा। हाँ अरे पहलवान के घर से खाना आया है, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा भाई को भी दो। ये लो पहलवान खा लो, घर का खाना है बस इतना सा। अरे नहीं खाना मैं। सर लगता नहीं कि संग्राम कुछ बताने वाला है, या फिर ये भी मुमकिन है उसे सच में कुछ पता ना हो। सिर्फ आज रात का डिनर बचा है, कल सुबह नाश्ते के साथ सुधा बेल के पेपर्स भी ले आएगी। शर्मा एक आखिरी दाव चल के देखें। चलो। अरे शर्मा, अरे भाई जल्दी खाना लाओ भूख लगी है। लाया सर। शर्मा जल्दी खोलो भूख लगी है। सर आज फिर से चिकन। आहा बिरयानी वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ पहलवान ये लीजिए खाओगे। बहुत अच्छा है। सर हम आपको सब कुछ सच से बता देंगे, लेकिन पहले हमें पूरा टिफिन दीजिए खाने के लिए। पहले स्टेटमेंट फिर खाना। खत्म करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपको सब कुछ सच से बताते हैं। देखिए हमें सच में नहीं पता कि कुसुम जी और प्रीति को किसने मारा,
पर हाँ, सुधा ने हमें सुवा दिया था छुपाने के लिए। हमने उसे मिट्टी में गाड़ दिया। अब खाना दीजिए फटाफट। चलो अब बचने का कोई चांस नहीं है। हमें मर्डर वेपन मिल चुका है। अब बहुत जल्दी ही फॉरेंसिक को उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने मारा है उन दोनों को। हमारी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनका सुरेश चाचा के साथ नाजायज संबंध था। जब बाबा घर पे नहीं होते थे तो सुरेश चाचा, बाबा ने हमें बताया था कि वो इसीलिए माँ से तलाक लेना चाहते, और हमें सुधा आंटी के घर बहुत अच्छा लगता था इसलिए हम वहीं रहते थे। फिर अचानक पंकज ने हमारा पीछा करना शुरू किया। हमने उसे नजरअंदाज किया और एक दिन पंकज ने कहा कि दीदी ने वो काम पे पैसे लिए थे। हमारा खून खौल गया। और अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? हमने तुम्हारा वीडियो देखा। किसने भेजा तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है, उस वीडियो में आप ही हो ना। देख मेघा, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। दीदी आप उस वीडियो में अपनी मर्जी से थी, और तो आपने उस वीडियो के पैसे लिए। शी दीदी, हमें ना आप पे शर्म आती है। आप भी हमारी माँ की तरह कैरेक्टरलेस बन गई है। मेघा, प्रीति, हमने कपड़ों को जला दिया और संग्राम जी को सोवा छुपाने के लिए कह दिया। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों ब्लैकमेल हो रही थी, और तुमने बिना सच्चाई जाने अपने परिवार को खत्म कर दिया। तुम्हें उन दोनों को मारने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है, और सुधा तुम्हें दोषी को हेल्प करने और सबूत मिटाने के जुर्म में। कहते हैं हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, वैसे ही हर आंसू गम का नहीं होता। इसलिए जो जैसा दिखता है उसे वैसा ही सच नहीं मान लेना चाहिए। जैसे मेघा को अपनी माँ और बहन का असली रूप समझ में नहीं आया, और जो रूप सामने आया उसने उसे ही सही समझकर हमारे समाज ने लोगों को समझने के लिए कुछ पैमाने सेट किए हुए हैं। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि हर पैमाना पत्थर की लकीर हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबको अच्छे से समझें, परखें, उसके बाद निष्कर्ष पर उतरें। और जब बात न्याय जैसी बड़ी चीज की हो तो न्याय तो कानून के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा भयानक हादसा जिंदगी भर का सदमा दे जाता है, एक ऐसा जख्म जिसका भरना ही नामुमकिन हो। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ, जो एक मासूम पर हुई मानसिक प्रताड़ना की कहानी है। अगर किसी को अपना अतीत बेरंग और भविष्य डरावना नजर आ रहा हो तो वो निडरता से कब तक अपने हालातों के साथ जूझ सकता है? पूजा, हम यहाँ सिर्फ थोड़ी देर ही रुकेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि रात को ऐसे जंगल में रहना ठीक नहीं रहेगा। बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रही है? अरे पापा, वो मम्मी ने कहा कि बाहर बैठो इसलिए। तरुणा, दरवाजा खोलो। हाँ जी, आ रही है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और पूजा को बाहर है? आप आज इतना जल्दी कैसे आ गए? सब्जी मंडी चला गया था, सब्जियां ले लिया। ये सब्जियां आसमान को छू रही हैं। यहाँ पर रख रही है ना, इधर रख दीजिए थोड़ा। और ये सब प्याज व्याज आसमान को छू रहे हैं सब, पता नहीं है तेरे को। अरे ये को, 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 ये को,
बेटा क्या चाहिए? भूख लगी है पर हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा? ए चल जाए यहाँ से। अंकल अंकल ऐसा मत कीजिए, आप जो बोलेंगे वो हम कर लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे नहीं खाना। लेकिन ये तो छोटी है ना, इसको भूख लगी है अंकल, कुछ खाने को दे दीजिए। ठीक ठाक घर की दिख रही है, यहाँ क्या कर रही है? घर से निकलकर बस पकड़ी थी, फिर पता नहीं उस बस ने कहाँ उतार दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है तुम्हें पता है? और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम उमेश पटेल है और मेरी मम्मी का नाम तरुणा पटेल। अच्छा तो तुम उमेश और तरुणा की बेटी हो? हाँ। मैं तो उनको पहचानती हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। चल मैं तुम्हें लेके जाती हूँ मस्त। हाँ हा? बच्ची है 14 से 15 साल की, चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया, पहचानना मुश्किल है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। ये काली शर्ट वाला हरी है, सबसे पहले डेड बॉडी इसी ने देखी थी। आसानी से इस बच्ची की शिनाख्त ना हो सके इसलिए कातिल ने इसका सर पत्थर से कुचल दिया। बच्ची ने बचाव के लिए कोई संघर्ष किया हो, आसपास कोई ऐसे संघर्ष के निशान नजर नहीं आ रहे, यानी कि कातिल ने बच्ची का कत्ल कहीं और किया और लाश को यहाँ डंप करके चला गया। सर एक बर्थ मार्क मिला है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास का एरिया चेक करा है, कहीं को सुराग नहीं मिला, सिर्फ ये स्टोन मिला है, शायद किसी अंगूठी का है। इसकी फोटोज के साथ में ज्वेलर से चेक करा रहे हैं, लेकिन सर इसके जरिए कोई सुराग मिलना मुश्किल है सर। जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा क्या उसने कुछ और देखा? हरी ने वहाँ किसी और को नहीं देखा और आसपास के गाँव में भी कहीं कोई बच्ची मिसिंग नहीं है। तरुण कंट्रोल रूम से गाओ, इंटरस्टेट को अलर्ट करे, शायद कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। 11 साल की उम्र में यहाँ कौन छोड़ के गया तुम्हें? मेरी सौतेली माँ। तो तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की थी ना? 15 से 20 दिन भूखा रखा मेरा बाप, तो फिर क्या करती? किसी ग्राहक से कभी मदद लेना चाहिए। एक मिनट। हाँ हाँ नेताजी, आज? हाँ आ जाऊंगी, 8 बजे ना? ठीक है, हाँ ऑफिस ही आती हूँ। ये क्या नया टंटा है अब? अवनी मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इन चक्कर में मत पड़ तू। तो फाइनेंस कहाँ से लेकर आऊँ? कमर्शियल मूवी बनानी है मुझे। अब तू ना अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, ये सब रैप अप करना है, 8 बजे तक वहां पहुंचना भी है। और कुछ सेवा हो तो बताइए। बस नेताजी इतना काफी है। आओ आओ नहीं आओ आओ। काम जल्दी हो जाएगा ना? जी जी 1 हफ्ते में हो जाएगा। 1 हफ्ते से ज्यादा 1 दिन भी नहीं, इलेक्शन की डेट्स नजदीक आ रही है, उससे पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। तुमसे हो पाएगा ना? नेताजी आप निश्चिंत रहिए, स्टिंग ऑपरेशन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और जब ऑपोजिशन में कोई रहेगा ही नहीं तो आपके खिलाफ लड़ेगा कौन? सही बात की तुमने आउनी। हम सोच रहे थे कि हम अपना फोटोशूट करवाते हैं, जैसे हीरो का होता है ना वैसे, देख के ऐसा लगे कि बस यही सब कुछ है, यही देश को बचाएंगे, 4 बूढ़ों को बुलाएंगे, दान दक्षिणा दे देंगे। क्या बोलती हो तुम?
वो मैं मिश्रा सर से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ और फोटोशूट अरेंज करती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये बचाएंगे देश को। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं यार, ये झूठे होते हैं ना। अच्छा, और तुम क्या हो? मैं वो हूँ जो इनके बीच सर्वाइव करती हूँ। अब ज्यादा अपना दिमाग और मुंह मत चला, बाइक चला। तुझे पता है इसको मैंने इतना बोला। 20 दिन हो गए तरुण, 20 दिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 3 हफ्ते में इलेक्शन है, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग बिजी हो जाएंगे। सर दिल्ली और NCR के सारे पुलिस स्टेशन में इस केस की डिटेल्स भेजती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है जो इस केस से मैच करती हो। सर PSI तरुण कुमार, ठीक है आता हूँ। सर वो कोई 2 लड़कियां हैं चोरी करती हुई पकड़ी गई हैं। ठीक है। आइए सर, आइए सर, ये देखिए, ये तो बच्चियां हैं। खाना चुरा रही थी इसलिए ऐसे बांध दिया। हटिए बेटा, क्या नाम है आपका? घर से भाग कर आए हो? प्रभा, बच्चियां डरी हुई हैं, साथ में ले चलो। चलो मोहन, चिल्ड्रन कमेटी को कांटेक्ट किया? यस सर, दीपाली मैडम आ रही हैं। बच्चियों ने कुछ बताया? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रही है। ये आप लोगों को रिस्पेंड कहाँ से मिला? क्या नाम है आप लोगों का? मैंने पूछा नाम क्या है आप दोनों का। देखो अगर नहीं बताओगे तो सीधा अंदर डाल दूंगा मैं दोनों को। मेरा नाम पूजा है और इनका नाम मीना दीदी। इनके नाम से मिसिंग कंप्लीट चेक करो और इनकी फोटोग्राफ आसपास के सभी एरिया में सर्कुलेट करवा दो। बच्चियां डरी हुई, शायद काउंसलर से बात करें। सर ये मीना बिल्कुल भी डरी हुई लग नहीं रही है। डरी हुई है, पता करो ये कहानी है क्या। सर इसके बोलने के तरीके से एक बात तो समझ में आई है, ये मीना शायद हरियाणा की तरफ की है। तो हरियाणा पुलिस को फोन करो, उनसे मदद मांगो, पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या। मैंने कहा ना जाने दो हमें। औसरा, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब मेरी बात तो सुनो। क्या हो रहा है, क्या हुआ दीपाली? सर मैं इन लोगों को बता रही थी कि मैं इन्हें किसी सेफ जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पर हम बैठकर बात कर सकते हैं, पर ये लोग चिल्लाने लगी, शायद किसी ट्रॉमा में है या कोई मेजर ट्रस्ट इशू है। हमें किसी के साथ कहीं नहीं जाना। चल पूजा। छोड़ो, छोड़ो। खामोश, चुप, एकदम चुप। अंदर बंद कर दूंगा मैं, नहीं तो बैठो, दोनों बैठो इधर बैठो। ये तो साफ दिख रहा था कि ये लड़कियां बहुत बुरी तरह से डरी हुई हैं, शायद किसी सदमे की वजह से सहमी हुई थी, लेकिन साथ ही उनके विद्रोही तेवर पुलिस को असमंजस में डाल रहे थे। कौन थी ये लड़कियां और उनके मन में क्या चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि 20 दिन पहले जिस लड़की का कत्ल हुआ था उससे इनका क्या संबंध था? कुछ मासूमों पर हुई बर्बरता की तरफ इशारा करने वाली ये कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। अब आइए मैडम, इस मामले में जितने भी आरोपी बेल पर बाहर है ना, उनकी है ये लिस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? नेताजी का जो फोन आया था हमें करना ही था। जी गणेश,
ये बेल पे कब बाहर गया था? गणेश शर्मा को तो 6 महीने पहले ही बेल मिली थी। अब वो छोड़ो मैडम, अब वो प्रताप सिंह का केस पढ़ो, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो आदमी औरतों को ऐसा चूना लगाता था, आपको पढ़कर मजा आएगा। गणेश कहाँ मिलेगा मुझे? मैं देता हूँ गणेश का एड्रेस आपको। आपने एक बार प्रताप सिंह का केस पढ़ो, ये गणेश का एड्रेस। इसकी एक बेटी भी थी ना, वो कहाँ पर है अभी? जब सुसाइड किया था तो सोना को उसकी मासी उनके घर पे लेके गई थी, और अभी ना तो इस मासी का कुछ पता है और ना ही सोना का। समझ लूं तुझे ही देख रहा है, उसका दिया हुआ काम पहले पूरा कर, हम सोना को बाद में ढूंढ लेंगे। जी सर। आप दोनों को किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं? आप हमसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? हमें अकेला छोड़ दो और अपने काम से काम रखिए। इसे पहचानते हो? सोना कहाँ जा रही है? अब ऐसे चुप कर भाग कर नहीं रह जाता, मुझे जाना है। ये क्या बोल रही है तू? साथ में रहेंगे तब ठीक रहेंगे, कुछ बुरा हो गया तो? तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया मीना, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दे। तो अब हम नहीं मिलेंगे सोना दीदी? क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सोना दीदी? कौन सोना दीदी? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते? इसे भी नहीं पहचानते? 25 दिन पहले हमें एक बच्ची की लाश मिली थी जिसके हाथ पे ये रिस्ट बैंड था, ठीक वैसा जैसा कि तुम दोनों के हाथों में। कौन थी वो लड़की? वो सोना थी? बोला ना, नहीं जानते हम। देख नहीं रहे आप कितना डर रही है ये? हमें और परेशान मत कीजिए। रुको, मैं गार्ड को बोलती हूँ, वो तुम दोनों को कमरे तक छोड़ के आएगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही अकेले चले जाएंगे। चलो। आप गणेश शर्मा है ना? मैं अवनी हूँ, डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाती हूँ। फिलहाल घरेलू हिंसा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आपकी बेटी कहाँ है? देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सोना को ढूंढने में, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ। गणेश जी जाने दे, अवनी पिया हुआ है वो, कोई फायदा नहीं उसके मुँह लग के। आ जाओ बच्चों, खाना रेडी है। दाल अच्छी है ना? कुछ और लेके आऊं आपके लिए? बेटा, अगर आप दोनों बात नहीं करोगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? जब आने के लिए मना किया है तो क्यों आई तुम? कोई बहुत जरूरी बात है क्या? हे भगवान, तू रुक। ये रख,
पूरे शहर छोड़ के कहीं चले जाओ, दोबारा मत लौटना यहाँ पे। देख टाइम बर्बाद मत कर, प्रणव आने से पहले जल्दी निकल जाए यहाँ से। माँ लेकिन हम दोनों जाएंगे कहाँ? ये सब भागने से पहले क्यों नहीं सोचा? जाओ अब यहाँ से। देखो हाथ छोड़ तू, जाओ अब यहाँ से। मेरी माँ मर चुकी और पूजा भी अनाथ है, बस हम ही एक दूसरे के हैं। दीदी आप बस हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम अपना देख लेंगे। अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो आप बस हमें यहाँ से जाने दीजिए, यही मदद होगी। सोना शर्मा नाम की एक लड़की है सिस्टम में, इसकी माँ कमला शर्मा ने सुसाइड किया था और इसका सौतेला बाप गणेश शर्मा आत्महत्या के लिए उकसाने और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल चला गया था। उसके बाद में सोना की मौसी इसे अपने साथ अपने घर लेके चली गई थी। ये सोना का बाप गणेश अभी किस जेल में? 6 महीने पहले बेल पर बाहर आया सर, एड्रेस मिला इसका, वजीरपुर गाँव में रहता है। मान लेते हैं कि जिस लड़की की हमें लाश मिली वो लड़की ये सोना गणेश की बेटी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मीना और पूजा इस सोना को कैसे जानती थी? सोना बेटा तुझे माफ करते, मुझे तो लगा था कि मैं तुझे अब कभी देख ही नहीं पाऊंगा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा, मुझे माफ कर दे। क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही है? क्या हुआ, अरे तू इतना क्यों रो रही है बता ना। चल चल अंदर चल बेटा। गणेश शर्मा। जी सर। क्या बात है? कि करीब 25 दिन पहले हमें एक बच्ची की लाश मिली थी, हमेशा कह कि शायद वो आपकी बेटी सोना थी। ये देखिए चेहरा पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन दाहिने हाथ पे एक बर्थ मार्क है, इसे पहचानते हैं? मेरी बच्ची। I'm sorry। देखिए हमें बताइए आप आखिरी बार सोना से कब मिले थे? जेल जाने से पहले, मतलब सोना की माँ की आत्महत्या के बाद। मेरी बेटी कहाँ है? शिनाख्त न होने की वजह से उसकी लाश को अज्ञात मानकर क्रियाक्रम कर दिया गया है, लेकिन हमने उसके डीएनए प्रिजर्व कराया, आपसे मैच करना पड़ेगा। अच्छा ये इन दो लड़कियों को जानते हैं आप? सर गणेश ने सोना को आइडेंटिफाई कर लिया है, मैंने उनके डीएनए सैंपल्स भेज दिए मैचिंग के लिए, और ये सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, इसके हिसाब से वो सेक्सुअली एक्टिव थी। यू मीन रेप? सर खास तौर पे ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है, बस रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी मेंशनड है। पूजा और मीना उनका मेडिकल चेकअप हुआ? प्रिलिमिनरी चेकअप हुआ है सर, उसमें स्ट्रगल की कोई साइन नहीं मिले, बाकी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो ठीक से चेकअप करेंगे सर। सोना के बारे में एक और अपडेट मिला है सर, उसके नाखून में बाल फंसे हुए थे, डॉक्टर का कहना है कि वो बाल डाई किए गए थे, मैंने फॉरेंसिक में भेज दिया सैंपल्स। और वो रिंग स्टोन उसके बारे में कुछ पता चला? माणिक स्टोन था वो, हमने ज्वेलर से बात करी है लेकिन सबका ये कहना है कि स्टोन बहुत कॉमन है। प्रणव तूने तो कहा था कोई झंझट नहीं हुआ, और ये लड़की हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। भाई साहब आप ब्याह करो ना सीधा, फिर जो करना है कर लेना। अरे ऐसे कैसे, 25,000 रुपए दे रहा हूं कुंवारी लड़की के लिए। ठीक है ये सब क्या है प्रणय? अरे उसने 25,000 दिए थे इसके साथ शादी करने के लिए। मान जा बेटा, देख तू 15 की तो हो गई है, आराम से बीतेगी तेरी जिंदगी।
मर गई थी, कब से रो रहा है, जाके चुप करा उसे। सर आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, नाकाबंदी है, मिल जाएंगी दोनों। दोनों को देखकर लगता है कि दोनों डरी हुई, कहीं भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। सर माना बच्चियां हैं, लेकिन जिस तरह से हर जगह से भाग रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ तो गलत है। पता नहीं, दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उनकी जिंदगी आसान रही होगी। हाँ मैडम जी, सब काम कर लेगी ये। हाँ बेटा, आंटी बहुत अच्छी है, वो जो बोलेगी ना वो सब काम कर देना। आप सोना की मौसी पार्वती हैं? हाँ, लेकिन सोना मेरे साथ नहीं रहती। अब ये बताइए, सोना यहाँ पर कब तक थी और यहाँ से क्यों गई? मौसी मुझे आपके पास रहना है। नहीं, मुझे आपके पास रहना है, थोड़े दिन रख लीजिए। एक महीने के लिए तो मैंने तुझे रख लिया, अब तो कोई और रिश्तेदार भी तैयार नहीं है तुझे रखने के लिए। प्लीज मौसी, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज। खड़ी हो, खड़ी हो, तू अब अपना देख ले, सामान पकड़ और ये रख कुछ पैसे। अब जल्दी जा, नहीं तो बस निकल जाएगी। जल्दी जा। जाओगी? कौन हो तुम लोग? आप एक साल पहले हमसे मिली थी, आपको याद है ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर खबरी मनोज ने पूजा और मीना दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। पूजा के माँ बाप यहीं जैतपुर गांव में रहते हैं, 2 साल पहले अपने घर से भाग गई थी वो, उसके माँ बाप ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी। और ये मीना, इसकी माँ रश्मि अपने दूसरे पति प्रणय के साथ में बदरपुर गांव में रहती है। प्रणय ने रश्मि से शादी इसी शर्त पर करी थी कि वो मीना की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तरुण, मान लेते हैं कि सोना मीना और पूजा को जानती थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तीनों आपस में मिले कैसे? बेटा, मैंने तुम्हारा खाना अंदर रख दिया है, खा लेना। मैं 1 घंटे में लौटूंगी, थाने जा रही हूँ, खा लेना। हाँ, कल रात से मैं धीरज को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन बंद ही आ रहा है। कल रात 9 बजे मेरी बात हुई थी तो बोली कि यही ड्यूटी कर रहा हूँ और खाना भी खा लिया बोला था। ऐसे कैसे, वो तो कल से आया ही नहीं है। क्या? 10 बजे मैडम ने मुझे बुलाया, कल रात से मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। बार बार यहाँ आने से तेरा पति जल्दी लौट आएगा क्या? धीरज बच्चा है क्या? अपनी मर्जी से गया होगा, नहीं तो अभी तक कुछ ना कुछ जरूर पता चलता। 7 महीने हो गए, एक बार भी फोन नहीं किया। तू उसे परेशान करती होगी, किसी लड़की के साथ भागा होगा। अभी तू जा यहाँ से, तेरे पति के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम खुद सामने से बताएंगे। केस जितना सुलझ रहा था उतना ही उलझता जा रहा था, लेकिन एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट इस केस को एक नया मोड़ दे सकती थी। कौन था धीरज,
क्या पुलिस धीरज को ढूंढ पाएगी? अब तक पुलिस का ना तो सोना के कातिल का पता लगा था, ना ही इस केस की अहम कड़ी बनी मीना और पूजा के अतीत और उनके इरादों का। पता नहीं ध्रुव के पापा वापस लौटेंगे भी कि नहीं। अब तो मैं भी हिम्मत हार रही हूँ। ध्रुव कहता है कि भूल जाओ, लेकिन कैसे? परसों रात को पूजा और मीना मालवीय नगर के पास दिखी थी। ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी में कैप्चर हुई। मैंने खबरियों को उस एरिया में एक्टिव कर दिया है। मीना की माँ रश्मि ने कुछ बताया? सर, रश्मि ने तो साफ मना कर दिया, उसे मीना के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस रश्मि को थाने बुलाओ, अपने ढंग से पूछताछ करते हैं। साहब, मैं हेमा गुप्ता, मेरे पति 7 महीने पहले गायब हो गए थे। बैठिए आप, अब बताइए क्या नाम है आपके पति का? धीरज गुप्ता। आपने अपने पति के गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ साहब, जगत कॉलोनी थाने में। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने ये पोस्टर देखा। आप जानती हैं इसे? ये मेरे पति है धीरज गुप्ता, और ये वही लड़की है ना? हाँ, पूजा है। साहब, ये कई बार इस फोटो को देखते थे, मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन कभी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। आज ये पोस्टर देखा तो मुझे याद आया। साहब, आप ही मेरे पति को ढूंढ लीजिए। हाँ, आई तो थी उसकी पत्नी। ओ, क्या तो नाम था उसका? हेमा गुप्ता। हाँ, हेमा गुप्ता। हमने एनसी दर्ज किया था, पूछताछ भी की, लेकिन कोई लीड नहीं मिला। अरे तिवारी, वो जो गार्ड था ना धीरज गुप्ता, जिसकी पत्नी बार बार आती थी, उसका कंप्लेंट कॉपी लेकर आना। हमने मोहल्ले में पूछताछ की थी, पता चला कि कोई औरत थी जिससे वो अक्सर मिलता रहता था। हमने उसका मोबाइल भी ट्रैकिंग पर डाला था। लास्ट टाइम उसका फोन मयूर विहार के किसी जंगल में ऑन था, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। यह है कंप्लेंट की कॉपी। हमें कुछ खास पता नहीं चला, और क्राइम में नहीं लगा, इसलिए हमने आगे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। ये धीरज काम कहां करता था? ये मयूर विहार की एक सोसाइटी में काम करता था। उसकी एजेंसी का नंबर इस फाइल में लिखा हुआ। लोकल पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करा सर। खैर, अब तो 7-8 महीने हो चुके हैं, कुछ भी पता लगाना मुश्किल होगा। ये सिक्योरिटी गार्ड धीरज का पूजा के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? मैं गार्ड को बोलती हूँ, वो तुम दोनों को कमरे तक छोड़ के आएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसका मीना और पूजा, इन दोनों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, मयूर विहार की एक सोसाइटी में पता करा, पूजा को तो नहीं, लेकिन सोना का कनेक्शन मिला है। वहाँ एक ठेले वाला मिला जिसने सोना को देखा था। उसके ठेले पे एक लड़का काम करता था, श्रेयस नाम का, उसके साथ में। और ये श्रेयस भी 1.5 महीने पहले अपनी पगार बिना लिए चला गया था। और 1 महीना पहले ही हमें सोना की लाश भी मिली थी। ये दोनों बच्चियाँ हंसी किस चीज़ में हुई? भाई, वो हमारा पगार बाकी था। हमने आपको बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। भाई, हमें ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप प्लीज़ हमारा पगार करवा दो ना। हाँ भाई, हम 1-2 घंटे में आते हैं। हाँ हाँ, राम राम भाई। चल सर, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? चल बताते हैं। चल सर, मेरी क्यों मारा सोना को? सोना मर गई सर। किसने मारा साहब? श्रेयस, क्या कर रहे हो? ना कहा ना, तो फिर गर्लफ्रेंड बनाने का क्या मतलब है? तुम्हें तो बस यही चाहिए, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें। मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापिस मुझे छोड़ने। सोना सोना सोना, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब नहीं करूंगा मैं, बैठो। अरे बैठो ना। अच्छा एक बात बता, तू परेशान क्यों लग रही है? पापा मिले थे अभी। कौन? वो तेरा बाप गणेश? हाँ, वो मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी करके आ गई। यही मेरी आखिरी मुलाकात थी सर सोना से, उसके बाद तो मैं गाँव चला गया था। कैसे जानता था सोना को? सर, वो जिस सोसाइटी में रहती थी, उस सोसाइटी में मैं कई बार राशन डिलीवर करने जाता था। जब मैं गांव से लौटा तो पता चला वो वहाँ थी नहीं। मुझे लगा शायद वो अपने पापा के पास चली गई होगी। पापा कौन? गणेश। आखिरी बार सोना से कब मिले थे? जेल जाने से पहले, मतलब सोना की माँ की आत्महत्या के बाद। तलाशी लो उसके घर की, उधर देखो। अरे लेकिन चुप,
जी सर, सोना यही रहती थी। इन दोनों को जानती हैं? ये मीना और ये पूजा है, ये दोनों भी यही रहती थी। एक्चुअली सर ये एक अनाथालय है। अनाथालय यहाँ सोसाइटी में? प्राइवेट है और सारे पेपर्स भी हैं मेरे पास। तो ये बच्चियाँ जब भागी थी आपने कंप्लेंट नहीं कर पाई? जिस एनजीओ से इन्हें लाया गया था मैंने वहाँ कंप्लेंट किया था, लेकिन ये मीना पुराने अनाथालय से पहले ही 3 बार भागी हुई है, इसीलिए प्राइवेट में लाया गया। यहाँ बेटर फैसिलिटीज है और सर अक्सर बच्चे भाग जाया करते हैं, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था धीरज गुप्ता, इसे पहचानती हैं आप? पिछले 7-8 महीने से देखा नहीं सर, और वैसे भी उससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं था। अगर 2 साल पहले तू जेल जाते समय सोना को मिला था, उसकी लाश के पास तेरे रिंग का स्टोन कैसे आया? कौन सा रिंग, कौन सा स्टोन? एक तो मेरी बेटी को किसी ने मार दिया है, मैं उससे माफी भी नहीं मांग सका हूं, और आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सच सच बता वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तू सोना से मिलने अनाथालय भी गया था, तूने ही सोना को मारा है। मुझसे सवाल जवाब करने से पहले आप मयूर विहार के जंगल में देखो, एक लाश मिलेगी आपको वहां। नीचे नीचे थोड़ा और जाओ। एक सेकंड। इधर खोलो। हेमा गुप्ता के बेटे के साथ इसका डीएनए मैच करवाओ। सर। पूजा, तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हारे पापा के बारे में, मैंने उनके बारे में पता लगाया। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, तुम्हारी माँ भी उनको छोड़ के चली गई थी। कुछ सालों पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। मीना, तुम लोग कब तक ऐसे छुपके रहोगे? मैंने पता किया है, इंस्पेक्टर मनोज पक्षी वो ऑनेस्ट है, हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। मैं कल जब वापस काम से लौटूंगी ना, तो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी उनके पास। तुझे मत आ, खुद किसी झंझट में फंसी है, उस पर मेरी जिंदगी खराब करेगी क्या? माँ बस कुछ पैसे चाहिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये रख ले। माँ, इतने से पैसों से क्या होगा? ये रख। और ये आखिरी बार है, वापस मत आना अब, निकल जल्दी। बेटा, हमें मयूर विहार के पास के जंगल से कंकाल मिला है। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वो कंकाल धीरज गुप्ता का है। सोना ने तो अपने फादर गणेश को अपनी कहानी सुना दी थी, मैं आप दोनों से आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। मैंने पूजा और सोना ने, हम तीनों ने मिलकर धीरज को मारा था। बेटा, सोना को भी आप लोगों ने ही मारा था? नहीं सर, सोना दीदी को हमने नहीं मारा, वो तो हमसे अलग हो गई थी, अपने पापा से मिलने गई थी, और फिर पता चला कि सोना दीदी। धीरज को आप लोगों ने मारा, इसीलिए आप लोग अनाथालय से भागे थे ना? लेकिन धीरज को आप लोगों ने मारा क्यों? मैंने मारा उसे, वो मेरा नाम खराब कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया।
मत जा, साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बेटा आप लोगों ने धीरज को मारा जरूर है, लेकिन आप दोनों क्रिमिनल नहीं लगते। उस दिन भी चिल्ड्रन होम में जब सिक्योरिटी गार्ड का जिक्र हुआ, आप दोनों सहम से गए, क्या हुआ था? सर, जिस ऑर्फनेज में पूजा, मीना और सोना रहते थे, उसके पेपर चेक कराए। रजिस्ट्रेशन फर्जी है, लेकिन पेपर्स इतने अच्छे तरीके से बना रखे थे कि पकड़ना मुश्किल था। एक सोसाइटी में ऑर्फनेज, सुनके ही अजीब लगता था। कुछ नहीं किया तो फिर धीरज की हत्या के बाद छुपाई क्यों तुम लोगों ने? धीरज की हत्या के बाद छुपाई क्योंकि अगर पुलिस इन्वॉल्व होती तो हमारे धंधे का राज खुल जाता। क्यों मारा सोना को? सोना के बयान की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। मैं तो फिर भी उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन जब उसने बताया कि वो 10 से भी ज्यादा लोगों के साथ सो चुकी है, तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। बर्दाश्त नहीं कर पाया? इसे किसी के साथ सोना नहीं, बलात्कार कहते हैं। एसबी नगर पुलिस ने अनाथालय के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। नई जिंदगी अनाथालय अब बेनकाब हो चुका है, जहां मासूम बच्चियों के साथ नशे की हालत में बेरहमी से शोषण किया जाता है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, नेता, डॉक्टर, अधिकारियों, सबके नाम भी सामने आ रहे हैं। अवनी, कोर्ट ने तुम्हें इन दोनों का लीगल गार्जियन अपॉइंट किया है। सर, लेकिन धीरज का केस? वो एक सेल्फ डिफेंस था, क्लोज हो गया। चाइल्ड सर्विसेज इन दोनों के बारे में तुमसे अपडेट लेती रहेंगे। और बेटा, आप दोनों बहुत हिम्मत दिखाई है आप दोनों ने, बस अब सब कुछ भूल के अपने करियर पे फोकस करना, और किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, फोन कर देना। यूनिसेफ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.5 करोड़ के ऊपर बच्चे अनाथ हैं। खैर, अब तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन कई अनाथालयों में इन बच्चों को अच्छी परवरिश दी जा रही है। लेकिन कई अनाथालय ऐसे भी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे चल रहे हैं। ऐसे कई केसेस बाहर आने के बाद जांच एजेंसीज इस कोशिश में लगी हैं कि ऐसी और जगहों की इन्फॉर्मेशन बाहर आए और उन्हें रेगुलेट किया जाए। सोना ऐसे एक नरक से निकलने में कामयाब हो गई थी, और वो भी वही सपना देखती थी जो इस देश का हर बच्चा देखता है, खुशियों भरी जिंदगी का सपना। लेकिन उसके सौतेले पिता गणेश ने उसके सपने का गला घोंट दिया। लेकिन मालूम है, इस बात का सुकून जरूर है कि मीना और पूजा यौन अत्याचारों के उस चंगुल से बाहर निकलकर आ पाईं। आज उन्हें ममता की छांव मिल रही है, जिसकी बदौलत वो इस सदमे से उबर पाएंगी। अनाथालय की बाकी बच्चियों को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, और अब उनकी नियमित काउंसलिंग हो रही है। हमारे देश में हर बच्चे को एक सुरक्षित माहौल मिले, इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ, तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।